11 दिसंबर को किसान आंदोलन के स्थगित होने पर गैर राजनीतिक संयुक्त तो किसान मोर्चा का कार्यक्रम होने वाला है। सोनीपत के किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन में शहीद किसानों के चलते हमने मोर्चा फतेह किया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाने के लिए बैठक की जाएगी और साथ ही 11 दिसंबर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल आप सबके पास ये सूचना पहुंच गई होगी कि 11 दिसंबर को कल यानी कि कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी पंचायत हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीदी समारोह के रूप में की जा रही है। सबसे बड़ी बात उसमें देखने वाली ये है कि कल का जो दिन है वो दिन है जिस दिन हम इस मोर्चे को जीत कर यहाँ से वापस अपने अपने घरों की ओर गए थे और वो जीत जो हम लेकर गए थे हमारे साथ वो हमारे उन शहीदों की बदौलत हमें प्राप्त हुई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर वो हमारी ज़मीन बचाई, वो जीत हमारी झोली में डाली है। और इस पूरे मैटर को समेटते हुए SKM नॉन पॉलिटिकल की ओर से पिछले कुछ समय पहले एक बंगलौर के अंदर बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया था कि हम यहाँ पे ऐन उसी दिन जिस दिन मोर्चा जीत कर गए थे उसी दिन उन सभी शहीदों को याद करते हुए यहाँ पे एक बड़ी पंचायत करेंगे। और केवल वो पंचायत करना हमारा ये पर्पज भी नहीं है कि एक इकट्ठ करके दिखाना, ये नहीं है हमारा मेन पर्पज। ये है कि हम उन शहीदों को याद करना जिनकी वजह से हमारी जीत हुई है और उसको ठीक ढंग से नेपे चलाने के लिए आपको पता चल गया होगा कि कल से यहाँ से ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अखंड पाठ साहिब प्रकाश हो चुके हैं। कल उनका भोग भी पड़ेगा। भोग के बाद उनको सभी मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे। और जिस मकसद को लेकर उन्होंने शहादतें दी, जो बातें बाकी हैं, जो मांग अभी माननी बाकी है, जिसमें 100 बहुत बड़ी मांग है,